अबे कुछ नहीं, पाजामा गिर गया था। पैजामा गिरने की इतनी तेज आवाज होती है? घनन घंटा, कमीन की बच्ची हर बात पे सवाल दाग देती है। अबे पाजामे की आवाज इसलिए आई थी कि उसके अंदर मैं भी तो था। अच्छा, अब समझी तुम सोते हुए गिर गए होंगे। अच्छा, अगर आप उठ ही गए हो तो मेरा एक काम कर दो मुल्ला जी। काम तमाम? कमीन की बच्ची, ले मैं तेरे काम तमाम कर दूं, कसम खुदा की। अच्छा तो तुम मेरा काम तमाम करोगे हैं? लो मैं तुम्हारा ही आज काम तमाम कर देती हूँ। अबे अबे अबे, अबे शकीला, पेच हो गए ढीला, मैं तो मजाक कर रही था कसम खुदा की। अबे बैठ, अबे बैठ बैठ, अबे बैठ। कसम खुदा की, लोग औरतों को पायतीन बिठाते हैं, मगर मैंने तुझे इज्जत देके सरियाने बिठा दिया। वो क्या है? मेरे गोलगप्पे, मेरे रसगुल्ले, मेरे रसमलाई, मेरे ब्रेड पकोड़े, मेरे मोमोज, मेरे समोसे। नाराज मत हो, देख मर्द भीर का रिश्ता लड़ने झगड़ने मार पिटाई का ना होता, वो तो बड़े प्यार मोहब्बत से रहने का होता। देखो प्यार मोहब्बत हो गई बहुत, ये टाइम प्यार मोहब्बत का नहीं है। हाँ अब बतला क्या काम है तेरा? तेरा काम तो मैं सारा कर दूंगा कसम खुदा। देखो कहीं घर में मेरी सोने की अंगूठी खो गई है, और वो सोने की अंगूठी तुम मेरी ढूंढ दो, तब तक मैं ना गुसल खाने में कपड़े धोई आऊँ। बेटे मुल्ला नसरुद्दीन, अंगूठी खोने का मामला है संगीन, अगर नहीं तलाशी तो शकीला बजा देगी तेरी बीन। अंगूठी तो तलाशनी पड़ेगी। अबे कसम खुदा की, घर में तो कुप अंधेरा, घर में तो अंगूठी क्या, अंगूठा भी नजर नहीं आने का। अच्छा है कि बाहर चलूं, उजाले में मिल जाएगी अंगूठी। घर में तो अंधेरा था कसम खुदा, उजाला तो यही है, अंगूठी मिलेगी तो शकीला की। अल्लाह मियाँ, शकीला की अंगूठी दिलवा दे। अबे शकीला, तेरे गोबर में, भैंस के गोबर में तेरी अंगूठी मिल गई। साली अंगूठी समझी है तो ठीक कर। अरे ये मुल्ला यहाँ क्या देख रहा है? लगता है कुछ ढूंढ रहा है। चलो चल के देखते हैं घर के अंदर। अरे मुल्ला जी। अबे डरा दिया तूने कमीने। हाँ। क्या ढूंढ रहे हो इसमें? गोबर में क्या खजाना ढूंढ रहे हो? घने घंटा। अबे खजाना मिल रहा गोबर में, वो क्या है? शकीला की अंगूठी खो। अच्छा सुन, मैं तेरे को 50 रुपए कसम खुदा की, जरा अंगूठी खो। 50 रुपए? We'll be right back.
अरे मुल्ला जी, शकीला जी की अंगूठी यहीं खोई थी? नहीं अबे, वो तो घर में खोई थी। मेरे को शकीला ने बतलाया था, मगर क्या करता, घर में तो अंधेरा था, इसलिए उजाले में ढूंढ रहा हूँ। अरे मुल्ला जी, सारे गोबर का तो पानी बनवा दिया तुमने, ठीक अंगूठी पाई नहीं, सारे बन गए। ला 10 रुपए दे, सब बन गए, कपड़े वपड़े धो लूंगा, हाथ धो लूंगा। घंटा, अबे अंगूठी मिली नहीं शकीला की, तेरे को साबुन को पैसे दे दूं, निकल ले साले, वरना सारा भांड दूंगा। सारा सान दे, जा चला जा। बेटे मुल्ला नसरुद्दीन, कह तो ठीक रहा था ये, अबे जहाँ खोई थी वही तो मिलनी चाहिए थी, वही मेरे को ढूंढ लेनी चाहिए थी, मैं खामुखा गोबर में फंस रही हूँ। तेरा भला हो। जैसे ही रात होगी इस पेटे पर उतर के इस गांव में बढ़ जम्मा और 3-4 घर में चोरी करके पैर फैड़ लेकर जम्मा। साला गधा रास्ते में मिला और रास्ते से भाग गया। इस पेड़ पे से लकड़ी तोड़ लेनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगे यू खुफिया पुलिस का आदमी दिखे, कहीं मुझे गिरफ्तार करने तो नहीं आ रहा। छिपना पड़ेगा भाई। अबे मुल्ला नसरुद्दीन, ये छोटी छोटी लकड़ी ले जाकर क्या करेगा, इससे पूरे पेड़ को उखाड़ के ले जाओ, जिंदगी भर का ही टंटा खत्म हो जाएगा। छोड़ूंगा नहीं बच्चू आज तेरे को, उखाड़ कर ले जाऊंगा अपने साथ। अबे उखड़ जा पेड़ के बच्चे, जोर लगा के हंसा। अजीत दीवान जी, इस पेड़ को ना पाड़ो, नहीं तो मैं नीचे गिर के मर जाऊंगा। पहले तो अपनी चोंच को बंद रख, आज मैं इस पेड़ को उखाड़ कर ले जाऊंगा। अजी रहन दो, पाड़ो ना इसे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अबे जो तेरे को कहना है नीचे आने के। तो ठीक है जी, नीचे ही आ लिया मैं। अरे दीवान जी, पर बोलो दीवान जी, अजी दीवान जी, अजी दीवान जी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, और हाँ एक काम कर लो, तुम ये 50 रुपए ले लो, पर मुझे जान दो। अब जा रहा हूँ। बेटे मुल्ला नसरुद्दीन, ये साला जिन्न था या फरिश्ता था, इससे मेरा क्या रिश्ता था, 50 रुपए दे गया। कसम खुदा की अब पेड़ उखाड़ने में क्यों मेहनत करूं, क्यों पसीने बहाऊं, अब तक क्यों ना 50 रुपए की लकड़ी खरीद के ले जाऊंगा घर, और मां बीबी भी खुश हो जाएगी। अबे शकीला बेगम, भाई लकड़ी नहीं ला पाए हम, इस बात का रह गया गम, तुम्हारी कसम।
तुम तो एकदम बेकार निठल्ले और काम चोर हो। अबे वो क्यों? वो क्यों? अब बताओ, तुम लकड़ी लेकर नहीं आए तो बताओ मैं पाए कैसे बनाऊंगी? अबे इतनी सी बात पे क्यों बीपी हाई कर रही है? हीटर पे कर ले पाए गरम। हीटर भी कैसे चलाऊं? तार टूटा पड़ा है। जाओ पहले तार जोड़ के आओ। ठीक है बेगम, तार जोड़कर अभी वापस आए हम। अबे यहाँ से टूट रहा है तार, और पिलाश हमारे है नहीं, इसे जोड़े भी तो जोड़े कैसे? ओहो आ गया जुगाड़, आ गया जुगाड़ दिमाग में। कसम खुदा की जब शकीला बेगम खाना बनाती है चूल्हे में तो आग को चिमटे से पकड़ती है, उसके हाथ नहीं जलते तो मैं भी इसे चिमटे से पकड़कर ठीक करूंगा, क्योंकि इससे कुछ होता ही नहीं है। क्या हुआ? कैसे तुम्हारी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं? कैसे आड़े टेढ़े चल रहे हो तुम? जोड़ दिया तार? अबे किसका तार जोड़ दिया, बिजली ने मैं ही नहीं छोड़ दिया। हैं? हाय अल्लाह, मर गया मेरा मुल्ला। हाय अल्लाह, मर गया मेरा मुल्ला। भाईजान लाला जी हैं? हाँ है। अरे रामो, अरे हुई ना के भैंस को सन्नी, अरे यहाँ को आइए। थोड़ा सा सरसों का तेल लाकर मेरे सिर में मालिश कर दे। अच्छा जी, वहां मंडरा भैंसों में। आगे को आजा, बिल्कुल ही थक लिया। टोपी हटा लो जी। ले अरे मेरा सिर फोड़ेगा के? अरे 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 कैसे हथौड़े से बजा रहा तू इसमें? आज मैं अपनी भैंस को लेके ही जाऊंगी, लाला जी के ब्याज पैसे समेत दे के जाऊंगी मैं। अरे देख, अरे सिर में दर्द कर दिया, इतनी जोर का ना मारे। लाला जी मैं आपका मूल और ब्याज लेके आई हूँ, आप अपना कर्जा चुकता कर लीजिए और मेरी भैंस वापिस दे दीजिए। कौन है तू पागल औरत? ये तेरी भैंस क्यों होती? ये सारी भैंस तो मेरी है। मजाक मत करो लाला जी, तुम अपने पैसे लो और मेरी भैंस वापिस दो। और तू के मेरी साली लगे, और जो मैं तेरी गैल मजाक करूँगा। लाला जी लगता है तुम्हारे मन में बेईमानी आ गई है, जब ही तो 10,000 की भैंस 1,000 में रख रहे हो। रामू जी मालिक, इसे धक्के देकर घर से बाहर काट। लाला जी मेरी भैंस हड़पना चाह रहे हो? अरे इसे बाहर काट दे। लाला जी
आप गरीब के साथ अच्छा ना कर रहे हो। लाला जी पानी में डूब के मर जाओगे। लाला जी, अरे लाला जी तू डूब के मर जाएगा। चले जा। आज तक इस लाला ने किसी का कर्जा दिया जो तेरा देगा। लाला तू मरेगा, तू इसी रात मरेगा, तू इसी कुर्सी पे बैठ के मरेगा। लाला तुझे कोरोना हो जाए, लाला तुझे हार्ट अटैक आ जाए, लाला तुझे चुल्लू भर पानी में मरेगा। लाला तू मरेगा, मरेगा जरूर मरेगा, जल्दी मरेगा। लाला मरेगा, तू जरूर मरेगा। लाला तेरा कभी भला नहीं होएगा। बहन देख, लाला ऐसी ही है, इसने लेके किसी का दिया नहीं। सबसे बड़ा बेईमान है ये। तुम की यहाँ ड्रामा कर रही हो, परेशान कर रही हो। मैं क्या ड्रामा कर रही हूँ? ड्रामा तो ये लाला बेईमान कर रहा, इसने मेरी भैंस रख ली। पर मैं अपनी भैंस छोड़ू ना, लेके जरूर जाऊंगी और लेने जरूर आऊंगी। सुना भाई नजरू खान, क्या सुनाएगा? गीत, गजल, रुबाई, चौपाई या कव्वाली? अरे यार मैं ना सुना रहा कुछ भी, तू तो बस मेरे सवाल का जवाब दे दे। घने ने घंटा। अबे सवाल तो वो लोग करते हैं जिन्हें खुदा ने अकले सलीम दी है, दिमाग दिया है, बुद्धि दी है। तू क्या सवाल करेगा लोड़ू कहीं का? अरे चल मान लिया मैं बेअकल हूँ, पर तू तो अकलमंद है, तू मेरे सवाल का जवाब दे दे। चल कर सवाल। कि इस वक्त खुदा क्या कर रहा है? अबे मुल्ला नसरुद्दीन बड़ा कठिन सवाल करा, मगर बेटे नसरुद्दीन मैं भी तेरा उस्ताद हूँ। ये जो अमरूद तू बकरिया की तरह बकर बकर खा रही है ना, कसम खुदा की अभी मैं खाऊंगा। अच्छा चल एक काम कर, मैं तेरे सवाल का जवाब देता हूँ। खड़ा हो, खड़ा हो, इधर इधर। ये अमरूद मेरे को दे। अबे दे इधर, सवाल का जवाब पूछना है नहीं? हाँ पूछना है। ला दे इधर को। अच्छा एक काम कर, वो मदारी लोग होते हैं नहीं जो बंदर को नचाते हैं, उस तरह का नाच दिखा। अबे कर नाच शुरू। ओए बेसलीके तरीके से नाच। अरे मुल्ला जी, अबे अब भी नहीं समझा? ये तेरे सवाल का जवाब है कि इस वक्त खुदा क्या कर रहा है। इस वक्त खुदा मेरे को तो अमरूद खिला रहा है और तेरे को बंदर की तरह नचा रहा है। अरे बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? भाईजान मैं बहुत गरीब और परेशान औरत हूँ, मैं अपनी बदकिस्मती पर रो रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, कहाँ रहती हो? मैं इसी गांव में अपने बीमार सोहर के साथ रहती हूँ, पीपल वाली गली में। क्या नाम है आपके शोहर का? रहमत। रहमत? अरे बहन उसको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो तो मेरा दोस्त है। देखो हर मुश्किल का सामना डट के होना चाहिए और किसी आफत में भी इंसान को कभी ना रोना चाहिए। आओ मेरे घर। शकीला पानी वानी ला, मेहमान आए हैं। अभी लाती हूँ। लो जी पानी। शकीला
ये हमारे दोस्त की बीवी है। अच्छा जी, ये तो बहुत परेशान सी लग रही है। अबे ये मेरे दोस्त की बीवी है और इसकी परेशानी जानने के लिए तो मैं इसे घर में लाया हूँ। अब गली मोहल्ले में तो पराई औरतों से बात की नहीं जाती है, लोग बाग चर्चे करेंगे। अच्छा, क्या हुआ बाजी, कैसे परेशान हो? बाजी मेरा नाम रजिया है और मेरे सोवर की बहुत तबीयत खराब है और मेरे घर की हालत बहुत बेकार है। उनकी खातिर मैंने अपनी भैंस लाला जी के पास गिरवी रख दी थी। मैंने 10,000 की भैंस 1,000 में गिरवी रखी थी। जब मैं मूल और ब्याज लेके गई तो उस लाना ने हमें घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया। अबे ये तो कमीन के बच्चे ने बहुत बुरा किया, कसम खुदा की। तू घबरावे मत। अच्छा उसका नाम बतला, कहाँ का रहने वाला है? अरे बाजी उसके मन में ना लालच आ रहा है, लालच। हाँ बाजी, उस लाला ने मेरी 10,000 की भैंस 1,000 रुपए में ही हड़प कर ली। मैं कह रिया हूँ वो कौन से गांव का है और उसका क्या नाम? वो पड़ोस के गांव जागोस का रहने वाला है और लोगों से सामान लेके ब्याज पे पैसे देता है। जागोश? अबे शाले का बना दूंगा गोश। मियाँ आदाब। आदाब। अमा लाला जी, हम तो आपकी ईमानदारी के चर्चे सुनकर आए। मैं लाला जी नहीं हूँ, लाला जी भीतर है, मैं तो उनका नौकर हूँ। मियाँ देख रही है, साला पेट सेठ जैसा ले रिया है, खुद को नौकर कह रिया है। थू तेरी शक्ल पे चल। है कमबख्त मारे, हमारा पूरा दिन खराब कर दिया। मियाँ आदाब। आदाब भाईजान, आदाब। कैसे आना हुआ इस गरीब की कुटिया पर? घने ने ने घंटा। इतनी प्रॉपर्टी ले रही हो, फिर भी भगवान को बुराई दे रही हो, फिर भी गरीब की कुटिया कह रही हो। इधर सुनो, हमने आपकी ईमानदारी के बहुत चर्चे सुने। वो क्या है कि हमें आपके पास कुछ जवाहरात गहने गिरवी रखने हैं, क्यों शकीला? बिल्कुल जी। हैं? और गहने पूरे 5,00,000 के हैं और हम 50,000 में गिरवी रखने हाँ। आए हैं और पूरे जवाहरातों से हीरों से जड़े हुए हैं। हाँ। बताइए आपका क्या ख्याल है? रख दो, मैंने भी 50,000 रुपए दे के ना तुम्हारे 5,00,000 के गहने हजम कर लिए तो मैं भी बनिए का पोत नहीं। जिस मुर्गा मुर्गी को मैं भी जाने नहीं दूं, हलाल कर दूंगा। लाला जी ये लो अपना कर्जा और मेरी भैंस वापस दे दो। कितनी गलत समय पे आ गई ये औरत। अगर मैंने इसकी भैंस देने से इनकार किया तो ये फजीता करेगी और मेरे हाथ से 5,00,000 के गहने भी चले जाएंगे। ऐसा करता हूँ, इसकी भैंस लौटा ही देता हूँ। ना ना, मुझे तेरा कोई पैसा ना चाहिए। जा अपनी भैंस भी ले जा और कोई पैसा भी ना दिया उसे। अरे रामू, रजिया की भैंस दे दियो। और सुन, ना ब्याज लियो ना मूल, दे दे इसकी भैंस, ये बहुत गरीब औरत है। ठीक है लाला जी। अरे तुमने भी लाला जी से कर्जा लिया था क्या? हाँ बाजी, मैंने अपनी भैंस गिरवी रख के लाला जी से 1,000 रुपए लिए थे। अच्छा, वैसे लाला जी की आदत कैसी है? लाला जी बहुत अच्छे आदमी है, ना तो मेरे से ब्याज लिया, ना तो मेरे से मूल लिया, ना तो मेरे से पैसे लिए और मेरी भैंस भी वापस दे दी। रजिया, तुझे मेरे ग्राहकों से मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत ना है। जा अपनी भैंस ले जा, और ना मूल देने की जरूरत है और ना ब्याज। जा ले जा अपनी भैंस खोल के। एक तो आपका ग्राहक गया, तबीयत खुश हो गई। अब बताइए क्या हुक्म है? जेवर दिखाओ। चल बेगम दिखला इन्हें। लो जी आप ही दिखा दीजिए। अहे हाय रब्बा, खाली डब्बा। अबे शकीला, तूने तो लगवा दिया मेरी इज्जत पे धब। अब क्या दू जवाब में लाला जी को? इसमें तो गहने नहीं है।
तेरी की? मुझे तो लगता है सारे गहने में अलमारी में भूल आई और खाली डब्बा उठा लाई। अब क्या करना है? करना क्या है, घर जाएंगे, गहने लेकर आएंगे और लाला जी से पैसे ले जाएंगे। क्यों लाला जी, क्या ख्याल है? ठीक है मुल्ला जी, तुम जाओ जाओ। तेरी शक्ल पे झाड़ू पड़े।